सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं होम लोन के हिडन चार्जेस के बारे में। जब हम कोई होम लोन लेने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर काफी हिडन चार्जेस भी होते हैं, एडिशनल चार्जेस भी होते हैं, जिनके ऊपर हमारा कई बार ध्यान नहीं जाता है। और जब वो एकदम से चार्जेस हमारे सामने आते हैं तो हमें लगता है कि ये एकदम से, इसके बारे में तो मैंने कभी प्लान भी नहीं किया था, बजट भी नहीं किया था। अब होम लोन के बारे में प्रोसेस से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड या बैलेंस ट्रांसफर से रिलेटेड मैं काफी सारे वीडियोज बना चुका हूं, तो आप बेसिक्स जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियोज देखिए। इस वीडियो के अंदर हम मेनली हिडन चार्जेस के बारे में देखेंगे और किस तरीके से आप बैंक से नेगोशिएट करके उन चार्जेस को कम लेके आ सकते हैं या एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने भी कुछ चार्जेस के बारे में कभी ध्यान ना दिया हो। तो चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो चलिए जान लेते हैं होम लोन से रिलेटेड क्या क्या हिडन चार्जेस होते हैं। ये बेसिकली आपके इंटरेस्ट कॉस्ट जो होती है, हर महीने जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, उसके अलावा ये बाकी के हिडन चार्जेस होते हैं। इसमें टोटल मैं आपको 15 चार्जेस बताऊंगा जो आपको पे करने पड़ सकते हैं। इसमें से 7 मेजर चार्जेस होते हैं। मेजर चार्जेस का मतलब है जिनका अमाउंट काफी ज्यादा हो सकता है। बाकी के 8 जो हैं वो एडिशनल चार्जेस हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये मेजर चार्जेस देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहला आता है आपका प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस बेसिकली बैंक की मार्केटिंग और सेल्स कॉस्ट को कवर करती है और उनके जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं उनको कवर करती है। जनरली बैंक्स बहुत सारे लोन्स डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के थ्रू बेचते हैं, तो डीएसए की कॉस्ट प्रोसेसिंग फीस में से निकलती है, और फिर जो बैंक के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वो भी प्रोसेसिंग फीस में से निकलते हैं। तो प्रोसेसिंग फीस जनरली आपको 0.25 से लेके 1% तक मिलेगी होम लोन का, जितना भी आपका टोटल अमाउंट है। तो मान लीजिए अगर आपका 40 लाख का अमाउंट है तो ये आपको करीब 10,000 से लेके 20,000 तक आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। अगर 0.25% लगती है तो आपका 10,000 लग जाएगी, 0.5% लगती है तो 20,000 लग जाएगी। तो आपको इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आप मिनिमम प्रोसेसिंग फीस के लिए अपना नेगोशिएट कीजिए। फिर इसके अलावा जब आप होम लोन लेते हैं तो साथ में उस प्रॉपर्टी का लीगल और टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस होता है, पूरा बैकग्राउंड चेक होता है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चेक करे जाते हैं, साइट इंस्पेक्शन करी जाती है और प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन लगाई जाती है। इसके लिए एक थर्ड पार्टी लॉयर को अपॉइंट करता है बैंक और साथ में एक प्रोफेशनल वैल्यूअर भी होता है। तो इनकी फीस भी सेपरेटली देनी पड़ती है, जो एक लमसम फीस चार्ज करता है। बहुत सारे बैंक्स इसको प्रोसेसिंग फीस के अंदर ही इंक्लूड कर देते हैं, अगर वो आपसे आधा 1% चार्ज कर रहे हैं तो ये लीगल और टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस उसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। अदरवाइज काफी सारे बैंक्स इसको सेपरेटली चार्ज करते हैं, तो ये एक लमसम फीस हो सकती है 5,000 से 10,000 की। तो ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, एकदम से शॉक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये कई बार लोगों को पता नहीं होता है, ये फीस भी एक एक्स्ट्रा लग जाती है। फिर एमओडीटी चार्जेस होते हैं। एमओडीटी मतलब मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। तो एक मेमोरेंडम साइन होता है, जब आप अपना लोन अग्रीमेंट कर लेते हैं तो एक मेमोरेंडम साइन होता है कि आपने टाइटल डीड बैंक के पास रखवाई है। इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। ये करीब 0.1 से लेके 0.2% ऑफ होम लोन अमाउंट होती है। तो ये हर स्टेट के अंदर वेरी करती है, बट जनरली ये 0.1 से लेके 0.2% तक हो सकती है। तो आप यहां मान के चलिए यहां पे भी आपको 4 से लेके 8,000 रुपए तक का खर्चा आ जाता है, अगर हम यहां पे खाली 40 लाख रुपए के लोन की बात कर रहे हैं तो। फिर इसके अलावा एक होम लोन इंश्योरेंस का भी काफी बड़ा खर्चा आ जाता है। बहुत सारे बैंक्स आजकल लोन इंश्योरेंस को साथ में क्लब करके बेचते हैं। इंश्योरेंस का प्रीमियम आपका ईएमआई के अंदर ऐड हो जाता है। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मान लीजिए आपने 40 लाख का लोन लिया है, 28 साल की आपकी एज है, तो करीब करीब आपका 400 रुपये पर मंथ का एडिशनल प्रीमियम आ जाएगा। ये ईएमआई के अंदर आपका ऐड हो जाएगा, जितनी भी आपकी ईएमआई आएगी उसके अंदर 400 रुपये पर मंथ आपको एडिशनल देने पड़ जाएंगे। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होता है होम लोन इंश्योरेंस, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। तो आप होम लोन इंश्योरेंस को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं या इसका कोई बेटर अल्टरनेटिव क्या है, वो आप इस वीडियो में जरूर देखिए, क्योंकि मैंने ये वीडियो के अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करे हैं होम लोन इंश्योरेंस से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने 3 नंबर लिख दिया है, ये एक्चुअली 4th है, राइट। आगे बढ़ते हैं और कौन से चार्जेस हैं। तो अब 5वां चार्ज है हमारा प्रीपेमेंट और फोरक्लोजर चार्जेस। अगर आप मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे आ जाते हैं, लेट से 40 लाख रुपए का आपका टोटल लोन था, जिसमें से आप ईएमआई भर के लेट से 5 लाख का ऑलरेडी उतार चुके हैं। अब लेट से आपके पास कहीं से 10 लाख रुपए आ जाते हैं, राइट।
तो आप 10 लाख का अमाउंट भी पे कर सकते हैं, और 10 लाख अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपका टोटल मिला के फिर 25 लाख का लोन बच जाएगा, राइट। तो ये जो 10 लाख का अमाउंट है अगर आप प्रीपे करते हैं तो इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से इसके ऊपर प्रीपेमेंट चार्जेस हटा दिए गए हैं, लेकिन अगर आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है तो कई बार काफी सारे बैंक्स इसके अंदर 2-3% की प्रीपेमेंट पेनल्टी लगाते हैं। अगर आप मान लीजिए 10 लाख रुपए भर रहे हैं तो उसके ऊपर 2-3% का चार्जेस लग जाएंगे अगर आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट का रेट है तो, फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन है तो। और या फिर हो सकता है अगर आप अपना लोन ट्रांसफर कर रहे हैं किसी दूसरे बैंक में, अगर आप अपने सोर्सेज से भर रहे हैं राइट, तो इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप किसी दूसरे बैंक से लोन ले रहे हैं और अपना लोन ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस केस में भी बहुत सारे बैंक्स ये 2-3% के प्रीपेमेंट चार्जेस लगा देते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जब भी आप अगर कोई लोन ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये प्रीपेमेंट पेनल्टी के बारे में जरूर पता कर लें। उसके बाद कन्वर्जन चार्जेस होते हैं। कन्वर्जन चार्जेस का मतलब है, अब जैसा मैंने आपसे यहाँ पे बात करी कि यहाँ पे कई बार बैंक का लोन ट्रांसफर करते हैं लोग, तो वो मेनली क्यों ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि हो सकता है उनको एग्जिस्टिंग अपने बैंक के अंदर 10% मिल रहा है मान लीजिए इंटरेस्ट रेट, और दूसरे बैंक्स में उनको 8.5% मिल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है आपका खुद का बैंक ही 8.5% दे रहा हो। नए कस्टमर्स को जनरली क्या होता है कि बेस्ट इंटरेस्ट रेट देता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन की वजह से उन्हें बेस्ट इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहते हैं वो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहते हैं, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो वो आपका इंटरेस्ट रेट घटाते नहीं है, राइट। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है मार्केट के अंदर, ऐसे ही ये मार्केट स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन ऐसा होता है। तो उसके लिए बैंक्स यहाँ पे भी चार्जेस लगा देते हैं। अगर आपका मान लीजिए करंट इंटरेस्ट रेट 10% चल रहा है और आप चाहते हैं कि आपको नए कस्टमर जितना 8.5% का इंटरेस्ट रेट मिले, तो आपको बैंक को कन्वर्जन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ये 0.5 से 1% ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट लग जाते हैं। फिर कई बार बैंक्स स्विचिंग फीस भी लगाते हैं। स्विचिंग का मतलब है अगर आपका ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, अब मान लीजिए ये 10% का आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मिला हुआ है और हो सकता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको 11% का मिल रहा हो, राइट। तो आप हो सकता है कि आप सोचें कि मेरे को 11% भी ठीक है इंटरेस्ट रेट, कम से कम मेरा आने वाले टाइम में फिक्स्ड रहेगा कई सालों तक, तो इसलिए भी आप स्विच करने का सोच सकते हैं। तो अगर आप स्विच करते हैं फ्लोटिंग से या फिक्स्ड, या फिक्स्ड से लेके फ्लोटिंग में अगर आप आते हैं तो उसके लिए भी चार्जेस देने पड़ते हैं। ये 1-2% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट लग जाते हैं। तो ये थे सारे हमारे मेजर चार्जेस जहां पे परसेंटेजेस में आपको पे करना पड़ जाता है, अमाउंट काफी ज्यादा हो जाता है। अब हम कुछ एडिशनल चार्जेस की बात कर लेते हैं, जो जनरली लेट पेमेंट फीस वगैरह, चेक बाउंस और इससे रिलेटेड आपके कुछ चार्जेस होते हैं। ये जनरली फिक्स्ड चार्जेस होते हैं, ये आपको लेट से 250 रुपए से लेके 1000 रुपए तक की फीस लग जाती है अलग अलग चार्जेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके लेट पेमेंट चार्जेस लगते हैं, मान लीजिए आपकी ईएमआई टाइम पे नहीं गई, आपने टाइम पे ईएमआई पे नहीं करी, तो आपके ऊपर एक इंटरेस्ट लग जाता है 2% पर मंथ का फॉर द डिलेड टाइम पीरियड। और इसके अंदर भी मिनिमम अमाउंट 500 से 1000 रुपए लगा सकता है कोई बैंक, तो ये भी वेरी कर सकता है बैंक टू बैंक, लेकिन लेट पेमेंट चार्जेस हमेशा लगते हैं हर बैंक में। फिर अगर आपका मान लीजिए ईएमआई का चेक बाउंस हो जाता है, या आपने अगर ईसीएस भरवा रखा है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, तो अगर आपके बैंक से ऑटोमेटिकली ईएमआई कटती है और फॉर सम रीजन मान लीजिए आपका बैंक ब्लॉक हो जाता है या उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता है और आपका ईसीएस रिटर्न हो जाता है, तो उस केस में भी एक लमसम फीस चार्ज कर सकता है बैंक। ये भी आपका 250 से 500 रुपए तक की फीस हो सकती है पर इंस्टेंस बेसिकली। अगर एक चेक बाउंस होता है तो आपको एक बार 250 से 500 रुपए देने पड़ सकते हैं, दूसरी बार में दोबारा देने पड़ेंगे। फिर अगर आप लोन टेन्योर चेंज कराना चाहते हैं, लेट से आपने इनिशियली 15 साल का लोन लिया था, अब आप सोच रहे हैं कि मैं इसको 20 साल का करा दूं क्योंकि मेरे को ईएमआई का भार थोड़ा सा कम करना है, मैं हर महीने शायद उतनी ईएमआई पे नहीं कर सकता, या फिर आप हो सकता है 20 साल से 15 साल का करना चाहें या 10 साल का करना चाहें, उल्टा भी करना चाह सकते हैं। हो सकता है आप चाहें कि मेरी पे सैलरी बढ़ गई है तो मैं ज़्यादा ईएमआई अफोर्ड कर सकता हूं, मेरा लोन जल्दी खत्म हो जाए, तो इसके लिए भी काफी सारे बैंक्स लमसम चार्जेस लगा देते हैं। तो ये भी आपके 500 से 1000 रुपए की फीस हो सकती है। फिर रीपेमेंट मोड अगर आप स्वैप करना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी पेमेंट अभी लेट से चेक से हो रही थी, आपने हो सकता है पोस्ट डेटेड चेक दिए हो, अब आप चाहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिकली पे करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए, तो उसके लिए भी बैंक आपको एक फिक्स्ड चार्जेस लगा सकता है। ये भी वही 250 से 500 रुपए तक लग सकते हैं। फिर अगर आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट निकालना चाहते हैं, ये भी बेसिकली आपको जनरली हर साल टैक्स पर्पस के लिए चाहिए होती है, ज़्यादातर ये ऑनलाइन तो फ्री में अवेलेबल होती है, लेकिन अगर आप एक साइंड कॉपी लेते हैं बैंक में जाके, तो यहाँ पे भी आपको 250 से 500 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकलवाना चाहते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक के अंदर जमा हो जाते हैं जब आप होम लोन लेते हैं, तो उसके लिए भी आपको लमसम फीस देनी पड़ सकती है। तो इसमें बेटर यही रहता है कि आप अपने पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रखिए, एक कॉपी या दो कॉपी, या उनको स्कैन करके जरूर रख लीजिए। आज की डेट में आपके पास जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी प्रिंट निकाल के जरूरत पड़ सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास बाई चांस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी नहीं है तो आप बैंक से निकलवा सकते हैं, और वहां पे भी आपको लमसम फीस चार्ज कर देता है बैंक। ये जनरली हो सकता है 2-3 रुपये पर पेज आपको चार्ज करें, या फिर हो सकता है कुछ लमसम 1,000 रुपये तक चार्ज कर दें, तो ये भी एक लमसम फीस की तरह भी चार्ज हो सकता है। फिर बैंक के पास कितने आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं इसकी लिस्ट आपको मिल जाती है, ये भी एक लमसम फीस आप पे कर सकते हैं। तो ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है, यहाँ हम कॉपीज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ खाली लिस्ट की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास पड़े हैं। तो ये लिस्ट आपको, अगर मान लीजिए आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो इस लिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर अगर आप अपना लोन ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी दूसरे बैंक में तो भी इस लिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये वाली लिस्ट भी आपको 250 से 500 रुपये में मिल जाती है, हर बैंक के अलग अलग चार्जेस होते हैं, रेंज जनरली यही रहती है। फिर इसमें लास्ट चार्ज आ जाता है डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चार्ज। जब भी आप अपना लोन खत्म करते हैं तो एट द टाइम ऑफ लोन क्लोजिंग जो आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो कुरियर होके आएंगे, जनरली बैंक्स की एक सेंट्रल रिपोजिटरी होती है। अब हो सकता है बॉम्बे में किसी बैंक की सेंट्रल रिपोजिटरी हो, किसी बैंक की हो सकता है चेन्नई में हो, किसी की हो सकता है पुणे में हो, तो जहां पे भी उनकी सेंट्रल रिपोजिटरी होगी वहां से उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगवाने पड़ते हैं। तो कुरियर चार्जेस ये आप ही से कलेक्ट करते हैं, तो वो अपनी ब्रांच के अंदर मंगाएंगे और ब्रांच से आप वहां से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक लमसम फीस चार्ज कर लेता है बैंक, इसमें भी आपको वही मान के चलिए 500 से 1,000 रुपये या 1,500 रुपये तक आपको खर्चा आ सकता है। तो आई थिंक मैंने सारे मेजर एडिशनल चार्जेस कवर कर लिए हैं होम लोन के अंदर जितने भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो मैंने आपसे पहले मेजर चार्जेस की बात करी उनको आप ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि ये तो सारे आपके जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आपको ये एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और ये बहुत नॉमिनल से होते हैं 250, 500, 1,000 रुपये। लेकिन जो मैंने मेजर चार्जेस की बात करी है वो परसेंटेजेस में कैलकुलेट होते हैं और आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट पे करना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोज़ के लिए, या आप अपना कोई भी विचार शेयर करना चाहते हैं कम्युनिटी के साथ, तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। मैं हर रोज फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।